क्रिश्चियन बनना और क्रिश्चियन होना दोनों चीज में कई बार अंतर होता है। हम क्रिश्चियन अब बन जाते हैं आजकल, अगर देखा जाए तो ऑफिशियली कहीं चर्च में हम रजिस्टर हो जाते हैं, हमारे पॉलिटिकली या हम कॉन्स्टिट्यूशनली हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन वो ये पहचान जो है सरकार का पहचान है, ये पहचान जो है डॉक्यूमेंट का पहचान है, अब एक मनुष्य होने के नाते अब एक धर्म का पहचान है। लेकिन जब परमेश्वर हमें पहचानेगा तो इस आधार पे पहचानेगा कि क्या आप चर्च का रजिस्टर में आपके तेरा नाम था कि नहीं, क्या इस आधार पे परमेश्वर हमें पहचानेगा, या इस आधार पे पहचानेगा कि तुमने दोबारा जन्म लिया कि नहीं। तो निकोदिमास का भी वैसे ही था, वो परमेश्वर के साथ बातचीत करने गया यीशु मसीह के साथ, तो वो इस बातों पे गर्व था कि वो एक यहूदी है, और वो एक इस बातों पे गर्व भी था क्योंकि वो बाइबल की समझ सकता है, उन्होंने अपना योगदान उस मंदिर के लिए दिया है, उस लोगों को शिक्षा दिया है, तो वो इस बातों पे गर्व था कि मैंने परमेश्वर की को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कार्य किए, तो वो ये सोचता कि परमेश्वर तो मुझे ऑटोमेटिकली पहचानेगा, मुझे भूल नहीं सकता, वो अपना परिचय अपने आप दे रहा था उन चीजों के द्वारा। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ मिला, लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको ये बातें सिखाया परमेश्वर की पहचान को प्राप्त करने के लिए और उसके राज्य में स्वीकार होने के लिए, ये सब भी काफी नहीं है, ये सभी चीज भी जरूरी थे, लेकिन ये काफी नहीं है, इससे बढ़कर तुम्हें परमेश्वर की राज्य के लिए दोबारा जन्म होना पड़ेगा, दोबारा अगर साधारण भाषा में करेंगे तो दोबारा नामांकन। तो हम परमेश्वर की राज्य में स्वीकार होने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना जरूरी है, लेकिन दोबारा जन्म लेने के लिए हमें पहला एहसास होना पड़ेगा कि मैं कितना पापी हूँ। हम कई बार लोग कहता है कि स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, हम नहीं कमा सकते स्वर्ग के राज्य, हम अपने कर्म से धर्मी नहीं ठहराए जाते। जब हम अपने पाप को स्वीकार करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, समर्पण सच्चा हृदय के साथ, हे प्रभु मैंने आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है, जाने में या अनजाने में मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी किया है, मैंने अपनी आँखों से, अपने शब्दों से, अपने कानों से जितना भी मैंने पाप किया है, परमेश्वर खुदा मुझे क्षमा कर, आज से मैं अपने कर्म पर या अपने स्वभाव पर निर्भर नहीं, परंतु आपकी धार्मिकता में अपने विश्वास को, अपने धार्मिकता को सौंपता हूँ परमेश्वर, और आपके अनुसार मैं आज से जीवन बिताऊंगा। जब हम इस तरह करके निर्णय लेते हैं अपने हम ऊपर, जैसा कि जब हम हवाई जहाज से हम नीचे छलांग मारते हैं, पैराशूट को इसलिए ओढ़ते ताकि हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स से हम बच सके, तो आज संसार में भी इस पाप की ग्रेविटेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमें खींच लेता है, लेकिन उससे बचने के लिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। पराचित को जिस तरह हम भरोसा करते हैं, उसी तरह हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा को ट्रांसफर करते हैं, खुद से निकाल के हम यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं, तब वो एक नया उद्धार बन जाता है। तो आज भी हम लोगों को ये सब जरूरी है, बस हमें ये करना है कि प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद आपने मुझे इस वचन को मेरे कानों तक पहुंचाया, मैं भूखा नहीं सोया, दिन भर खाने का रोटी मिला, पहनने का मैं ठंडा में मैं नहीं कांपा, मेरे पास ब्लैंकेट है, मेरे पास रहने का छत है, घर है, मेरे पास पीने का पानी है, मेरे पास जो आवश्यकता है परमेश्वर आपने पूरा किया, धन्यवाद। और प्रभु मुझे क्षमा कर, इतना आपने देने के बावजूद भी अगर मैंने आपके विरोध में कुछ भी किया है, मुझे अपने दया उस पर करें परमेश्वर, मैं मनुष्य हूँ, मैं गलती कर लेता हूँ परमेश्वर, मुझे वो हिम्मत दे, पवित्र आत्मा की सहायता दे, ताकि मैं अपनी इच्छाओं को इनकार करके आपकी इच्छाओं के, आपके वचन के अनुसार मैं चल सकूँ। और परमेश्वर ने जिस तरह हमें प्रॉमिस किया है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा की सहायता, वो हमें माफ करने में भी सहायता कर, झूठ नहीं बोलना बहुत कठिन होगा वहाँ पे, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें सहायता देता है, वह परमेश्वर की वचन को पकड़े रहने के लिए भी काफी कठिन होगा, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता हमें खड़ा होने में मजबूत रखता है। तो
तो यही है जो निकोदिमास के पास नहीं था। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन लाइफ को अगर देखेंगे, रोज परीक्षा में गुजरते हैं, प्रॉब्लम्स में अलग अलग चीज, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति रहता है तो वो क्या कहते हैं, मेरी दया तुम्हारे लिए काफी है, बस हमें परमेश्वर के समूह में आना है। प्रभु मुझे सिखा, मुझे समझा, परमेश्वर जो कुछ भी आपने मेरे को बनाया है मैं वो बन सकूं।